देखो ये क्वेश्चन है, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू आ सर्किल, टू द सर्किल विद सेंटर ओ सच दैट ए पी बी बराबर 120, देन प्रूव दैट ओ पी बराबर 2 ए पी। पहली बात तो बच्चों को टेंजेंट नहीं पता होता। टेंजेंट का मतलब क्या होता है भाई, कोई सर्किल है ना, यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लिया तो सर एक उस पॉइंट को छुट्टी हुई कोई लाइन जाएगी तो वो टेंजेंट कहलाएगी। ठीक, कोई सर्किल है यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया तो ये टेंजेंट होगी, कोई सर्किल है यहाँ पर कोई पॉइंट लिया ये टेंजेंट होगी। ठीक है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू आ सर्किल। ठीक है, कई टेंजेंट बन सकती हैं। अब यहाँ पे हमें खाली दो ही टेंजेंट बनानी जिनका नाम पी ए और पी बी है, जिस जो नाम कॉमन हो, पी कॉमन है तो वो पॉइंट बाहर होगा, पी पॉइंट बाहर सेंटर पे बाहर होगा सर्किल के। ठीक है, आर ड्रॉन टू सर्किल भी सेंटर हो, पहले तो सर्किल बनाओ, सर्किल ऐसा बनाओ जिसके सेंटर वो हो। तो हमने क्या किया, पहले एक सर्किल बनाया, सर्किल बनाया। हमेशा जब भी आप मैथ के सवाल करिएगा इधर वाली जगह छोड़ दिएगा, इधर वाला डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम इधर बनाइएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन करिएगा। कोई लेफ्ट साइड डायग्राम बना के राइट साइड करेगा तो गलत माना जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या है कि भाई सर्किल बनाओ जिसका सेंटर ओ हो, तो हमने सर्किल बनाया इसका सेंटर ओ मान लिया। ठीक है, और कहा गया दो टेंजेंट बनाओ पी और पी बी, तो हमने एक पॉइंट यहाँ पर मान लिया ए और यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया बी। ठीक, तो यहाँ से जो टेंजेंट जाएगी हमने ऐसे ले जाके टेंजेंट ले जा छूती भी गई और यहाँ पे एक P पॉइंट मान लिया। ठीक है, इस पॉइंट मान लिया P, हमने कहा था जो पॉइंट दोनों में कॉमन होगा P और P कॉमन है तो P यहाँ पर रख लिया और इधर से एक P भी टेंजेंट छूटती भी गई। ठीक है, एकदम सीधी स्केल से बनाइएगा, हम तो बिना स्केल के बना रहे हैं। ठीक, अब यहाँ तक समझ में आ गई बात। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये O है, हमने ये O माना है ना, O से ओ ए मिला दिया और O से ओ बी मिला दिया। आपके में जो है थोड़ी टेढ़ी लाइन भी बन सकती है, यूँ और यूँ। ठीक है, हमने तो पॉइंट यहाँ पर माना है तो आप अपने अकॉर्डिंग मानिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस सेंटर से इस पी को मिला देंगे। ठीक, अब हमें कुछ दिख रही चीज़ें, पहली चीज़ ये जो पूरा अगर हम मानेंगे तो ये आधा आधा, ये ओ पी ए ये आधा है, ओ पी बी पी ए का आधा है। ठीक, और हमें ये भी दिख रहा है ओ पी बी, यानी कि ये किसका आधा है, ए पी बी का। चलो वो बात अलग, हमें निकालना क्या है, टू प्रूफ पहले लिखेंगे और डायग्राम बनाना आना चाहिए ऐसे ही। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, ओ पी बराबर टू ए पी, यानी कि ओ पी यानी कि ये जो लाइन है ये टू ए पी यानी इस लाइन के दो गुनी है, इस लाइन के दो गुनी ये लाइन है। ठीक है, ओ पी जो है ये दो गुनी है ए पी के। ठीक है, ओ पी दो गुनी है ए पी के। ठीक है, इसको बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब करना कैसे है देखिए, पहले तो हमें एक सारी बातें पता होना चाहिए कि भाई ये यहाँ सेंटर से जो भी ये जो लाइन होती है ये रेडियस होती है, ये क्या हो गई, रेडियस। लिखने की ज़रूरत नहीं, बस समझाने के लिए। और यहाँ से यहाँ भी लाइन होगी, ये भी रेडियस है ना, तो आपको पता है कि सर्किल में जितनी भी रेडियस होंगी सब जो है इक्वल होती हैं, सेंटर से जो भी लाइन जाएगी वो रेडियस होगी। अब ये ना सेंटर से लाइन समझ लीजिए, सेंटर से ये भी तो गई है, अरे सेंटर से यहाँ तक जाएगी तो रेडियस होगी। ठीक है, ये होगी, इनफाइनाइट रेडियस बन सकती है। तो ये ए ओ बराबर ओ बी, पहली बात ये दिमाग में रहना चाहिए कि जो ए ओ है वो ओ बी के बराबर है। ठीक है, क्लियर। अब हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें एंगल ए पी बी बराबर 120। ठीक है, आर ड्रॉन टू द सर्किल सेंटर सच दैट ए पी बराबर 120, ए पी बी बराबर, यानी कि ये पूरा एंगल कितना दिया है, ये पूरा एंगल दिया है 120। तो ये कितना हो गया 60, ये भी 60 हो गया ना, ये पूरा 120 है ना, ये आधा आधा, यार समझ में आ रही बात, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ए पी बी, ए पी बी ये पूरी लाइन जो है 120 है, लेकिन इसके बीच से ये आधी आधी फाड़ ली, स्प्लिट कर रही है, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया है ना, लेकिन ये पूरा एंगल 120 था। ठीक है, इतनी बातें दिमाग में आपके चल रही हैं। अब कंपेयर करेंगे, ट्राइंगल अलग अलग बना लेंगे, ट्राइंगल ए ओ पी बराबर ट्राइंगल बी ओ पी, ए ओ पी आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ यहीं पर लिख लो इधरी वाल, ट्राइंगल ए ओ पी, ए ओ पी यानी कि इतना ट्रायंगल है, यानी कि ये है ना, ए ओ पी समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, एंड ट्रायंगल बी ओ पी है ना, बी ओ पी है ना, यानी कि ये एंगल जो बीच में आता है वो मेन एंगल माना जाता है, ए ओ पी और बी ओ पी। ठीक है, अब हमें कंडीशन पता है, ये अगर हम ट्रायंगल देख रहे हैं ए ओ पी और बी ओ पी में, तो ये जो हमारा ये एंगल है ये 90 डिग्री का होता है, ये और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये ना सोचिए कि सर ये तो सीधी लाइन दिख नहीं रही है तो ये 90 कैसे हो गया। आपको ये याद रखना है कि टेंजेंट हमेशा जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है सर्किल पे। ठीक है, जैसे ये सर्किल है,
ये सेंटर है, ये हमने ये लाइन गई है ना। अगर हम ये टेंजेंट खींचेंगे तो ये देखिए 90 डिग्री का साफ साफ बना रही है, ठीक। फिर और बड़ा दिखाएं, अगर यहाँ पे हम टेंजेंट खींचेंगे भाई, ये सेंटर से एक रेडियस आएगी, ये देखिए 90 डिग्री बना रही है, देखिए 90 डिग्री। तो आपको इस तरह से याद रखना, ना कि ये लाइन की शक्ल देख के, लाइन तो सीधी दिख नहीं रही है तो 90 कैसे होगा। लाइन चाहे इतनी टेढ़ी बने, चाहे इतनी टेढ़ी बने, चाहे ऐसी बने, ठीक है। लाइन ऐसी भी बन सकती है, ऐसी बनाएंगे तब भी ये देखिए 90 डिग्री है, अगर गौर से देखें, ठीक है। लाइन ऐसी भी बन सकती है यहाँ पर, तो हर जगह 90 डिग्री टेंजेंट बनाती है, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो ओ ए पी बराबर 90 है, या पी ए ओ, हमने ओ ए पी ट्रायंगल लिया, ये अब हम जहाँ पर लेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए ओ ये भी 90 होगा और पी ओ पी बी ओ ये भी 90 होगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल पी ए ओ एंगल पी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, अभी हमने बताया टेंजेंट, हमें ये लिख भी देंगे, क्योंकि टेंजेंट जो है, टेंजेंट इस टेंजेंट होती ही क्या है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। चाहे इतना लिखो, बस ये याद रखो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, सो 90 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, चाहे पूरी बात लिखो, चाहे बस ये टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऐसे लिख दो, काम खत्म, ठीक है। ये हमारी साइड, ये हमारी एंगल की कंडीशन हो गई कि एंगल यहाँ पे हमने इक्वल दिखाया। फिर हमने ये कहा कि हमारा ओ पी बराबर ओ पी, भाई ये बीच में देखिए कॉमन लाइन है, ओ पी इसकी भी कॉमन है और ओ पी इस ट्रायंगल की भी ओ पी कॉमन है, तो ये साइड हो गई, ठीक है, एंगल साइड। फिर हमने क्या देखा, ओ ए बराबर ओ बी, क्यों कॉमन, क्यों इक्वल है ये, ओ ए ओ बी के इक्वल है, क्यों, ये देखो रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, रेडियस जो भी होती है सेंटर से जो लाइन होती है वो रेडियस, रेडियस हमेशा इक्वल होती है। तो एंगल साइड या साइड एंगल साइड ऐसे एस कंडीशन से यह हमारा ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ पी हो जाएगा, ए ओ पी ये ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी ओ पी पे, बी ओ पी यानी कि ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ पी। ये हमें जब हम ये इतनी बात लिख देंगे, क्योंकि हमें तो ऐसे ही पता है, जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होते हैं, सारे उसके पार्ट इक्वल हो जाते हैं, ठीक। कैसे इक्वल हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो जब हम ये लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ, बी पी ओ यहाँ पे मतलब एंगल ए पी ओ यानी कि एंगल ए पी ओ यानी कि ये और बी पी ओ यानी कि ये दोनों इक्वल है। वैसे भी हमें क्वेश्चन ही से दिख रहा था ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये पूरा 120 था तो ये आधे आधे बटेगा 60-60 में, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए और हमें यही तो प्रूफ करना था। अगर हम शुरू से ऊपर देखें, हमें क्या प्रूफ करना था कि ओ पी बराबर 2 AP, यानी कि ओ पी बराबर 2 AP है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए पी ओ बराबर एंगल बी पी ओ बराबर हैं। तो ए पी ओ एक्चुअल में क्या है, ए पी ओ ये आधा किसका है, ए पी बी का आधा है, ये एंगल ये इस पूरे एंगल का आधा है। तो ए पी ओ की जगह हम लिख सकते हैं एंगल ए पी बी अपॉन 2, ठीक है। और एंगल बी पी ओ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी पी ओ की जगह हम लिख सकते हैं, बी पी ओ की जगह हम लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं बी पी ओ की जगह, एक मिनट पूछ लो, ये दिख रहा है कि हमें दिख रहा है बी पी ओ की जगह, हम बी पी ओ की जगह क्या लिख सकते हैं, बी पी ओ की जगह हम लिख सकते हैं, बी पी ओ की जगह हम लिख सकते हैं, बी पी ओ की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 ए पी बी, 1/2 ए पी बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और हमें पता है इस ए पी बी की पूरी वैल्यू 120 दी है ना, जहाँ पे ए पी बी लिखा है वहाँ पे लिख दें 120, ठीक है। तो 2 6 12 160 डिग्री आ गई, और यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब ओ पी, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या प्रूव हुआ, उसके बाद बस आप फाइनली ये लिख दिएगा ओ पी बराबर 2 AP, आपको दिख ही रहा है, डायग्राम ही में हमने क्लियर कर दिया, जो डायग्राम बना लेगा उसी को नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है।